अब जीतन राम मांझी जी ने अपनी बात कही है, स्वाभाविक है, उनको कहने का अधिकार प्राप्त है, मांग करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो कहीं चले जाएंगे यह मुझे भरोसा नहीं है। अगर उनको जाना ही होता तो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर के इधर काहे आते? नीतीश कुमार जी के पर कौन निशाना होगा? नीतीश कुमार जी के हाथ में तीर है, हमारा निशाना तीर पक्का लगता है। मांझी जी क्या बोल रहे हैं और उसका क्या अर्थ है आप लोग भी समझते हैं, इसलिए उनके नाम में ही राम लगा हुआ है, राममय वातावरण है, तो सिया राम यही जग माही, सब कुछ यही है, तो कहां जाने वाले हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतन राम मांझी ने की सीएम के ऑफर का खुलासा, वही चिराग पासवान ने किया समर्थन, खूब गर्जे जेडीयू के विधायक और एमएलसी। देखिए मामला आगे बढ़ चुका है। जीतन राम मांझी ने जहां एक तरफ स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी को दो मंत्री पद मिलना चाहिए, उनके पार्टी से दो मंत्री बनाए जाने चाहिए, वहीं यह भी कहते दिखाई दिए कि मुख्यमंत्री का भी ऑफर आया है। वहीं चिराग पासवान ने समर्थन किया जीतन राम मांझी का। अब मामला आगे बढ़ता दिख रहा है, मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जेडीयू के विधायक हैं ललित नारायण मंडल, वहीं दूसरे तरफ जेडीयू के ही एमएलसी हैं नीरज कुमार। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। जी ने बयान दिया है कि मंत्री बोल रहे हैं उनके पार्टी से होने चाहिए, अन्यथा सीएम का भी ऑफर है। देखिए अब माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी क्या बोल रहे हैं और उसका क्या अर्थ है आप लोग भी समझते हैं। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम के, तो उनको अपने पार्टी के विस्तार के लिए और अपने जो कार्यकर्ता है उनको दिखाने के लिए ये सब बात करनी चाहिए और किए हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। केवल हमको कहना है उचित प्लेटफार्म पर उनको इस बात को रखना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी इसे अन्य मार्ग में मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेतृत्व से दिल्ली जा कर के ये बात करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि विरोधियों को हवा देने का चांस नहीं मिलेगा। उन्हें लग रहा है कि एक चेतावनी है, अगर नहीं माने तो फिर पाला भी बदल सकते हैं। हमको नहीं लगता ऐसा, उन्होंने कहा कि अगर उनको जाना ही होता तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके इधर काहे आते हो? अगर दिल नहीं डोलता तो ऐसी बात क्यों करते हो? ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात को रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं और उसके लिए हम किसी से भी टकरा सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि प्लेटफार्म उचित होना चाहिए था उनको, उनको दिल्ली जा कर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और माननीय मुख्यमंत्री से अन्य मार्ग से मिलकर अपनी बात को रखना चाहिए। कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, आप जानते हैं गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में हर निर्णय मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, गठबंधन में निर्णय गठबंधन के नेतृत्व वर्ग मिलकर करते हैं, और इसके लिए हमारे ललन बाबू और भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य स्तर के नेता हैं सब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में सब बातें तय हो जाएगी। और जहां तक कि जदयू कोटे की बात है, जदयू कोटे का तो निर्णय यहीं अन्य मार्ग में माननीय नीतीश कुमार अपने मुख्य सलाहकारों से मिलकर तय करेंगे, सब बातें हो जाएगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और 24 ही नहीं 25 में हम लोग साथ लड़ेंगे, 24 में 400 के पार और 25 में भी 200 के पार की बात हम लोग करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, प्रोटेस्ट भी होना है, संख्या बल दिखानी है, जेडीयू के विधायक सेफ जोन में है, नीतीश कुमार के नज़र पे हैं, तो कहा जा रहा बड़ी भगदड़ होगी और वो भगदड़ जेडीयू की तरफ से होने वाली है। ये सब अफवाह है, आप देख रहे हैं हमारे पास कहाँ नीतीश कुमार का एक भी आदमी हमारे पास नहीं है। इस बिल्डिंग इस परिसर में जाइए, पाँच एमएलए जदयू के हैं, सभी स्वतंत्र रूप से, कोई मार्केट में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई क्षेत्र में है, किन्हीं पर कोई प्रेशर नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता को भी कोई पैसा के बल पर खरीद नहीं सकते हैं, और एमएलए की बात तो छोड़ दीजिए। पार्टी के एमएलए गोपाल मंडल कह रहे थे तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, सम्राट चौधरी बच्चा है, बगल में बैठकर नजर कैसे मिलाएंगे नीतीश कुमार से,
व्यक्तिगत टिप्पणी इतना विपक्ष में रहते हुए उन्होंने किया है, हमने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा है, इसलिए उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये हमारे माननीय नेतृत्व वर्ग के लोगों ने देखा होगा और ये उनके उनके रेंज की बात है, हमारे रेंज की बात नहीं है। हम पार्टी सेकुलर हो या लोजपा हो, रामविलास जी की पार्टी, वह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी के संपर्क में है। तो अब जीतन राम मांझी जी ने अपनी बात कही है, स्वाभाविक है, उनको कहने का अधिकार प्राप्त है, मांग करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो कहीं चले जाएंगे यह मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए उनके नाम में ही राम लगा हुआ है, राममय वातावरण है, तो सिया राम यही जग माही, सब कुछ यही है, तो कहाँ जाने वाले हैं। पहले का बयान तो सुने होंगे मांझी जी को। हाँ सुना है, भगवान पहले बोले थे भगवान अस्तित्व राम का अस्तित्व नहीं है, बाद में तो जाने लगे मंदिर उन्दिर। चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, आपको नहीं लगता है कि उनका सीधा का सीधा निशाना जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर है? अरे नीतीश कुमार जी के पर कौन निशाना होगा, नीतीश कुमार जी के हाथ में तीर है, हमारा निशाना तीर पक्का लगता है, तीर चल नहीं रहा है, मगर तीर तो हमारा तीर तो हमारा चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन करा दिया, किसी को पता ही नहीं चला। चिराग पासवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब बिहार का मुख्यमंत्री बेशक किसी पिछड़ा अति पिछड़ा को होना चाहिए, इसमें गुरेज थोड़ी है। तो भाई तो नीतीश कुमार जी पिछड़ा नहीं है और 2025 तक के तो जनता का जनादेश है प्राप्त, इसलिए ये सब कोई बहस का विषय ही नहीं है। अब लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ना है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। पर महत्वपूर्ण यह भी तो सवाल है कि एनडीए की नई नई सरकार बनी और अभी से ही खींचातानी स्टार्ट। अरे ये सब खींचातानी सामान्य बयान बनाते रहता है, खींचातानी थोड़े है, कोई समर्थन विड्रॉ कर लिए हैं मांझी जी। अरे बयान दिया तो बयान देने का अधिकार नहीं है, अलग पार्टी है तो बयान दे सकते हैं, चेतावनी तो दे डाली। ना ना ना, कोई चेतावनी के रूप में उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, सलाह के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जेडीयू अलर्ट मोड पर है या नहीं? एकदम अलर्ट मोड पर रहते हैं 24 घंटा हम लोग, एकदम कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, फ्लोर टेस्ट में 100% सफल होंगे। खेला नहीं होने देना है, खेला को जीत होगा, खेला खेला उला होता है, ये सब एक जुमलेबाजी चला है, खेला होगा खेला होगा, खेला क्या होगा। तो आपने सुना बिहार की सियासत किस ओर जा रही है, जहां एक तरफ नई नई एनडीए की सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पुराने साथी के साथ हाथ मिला लिया है और उसके बाद बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। जीतनराम मांझी नाखुश दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके पार्टी को 2 मंत्री पद मिलने चाहिए, उनके पार्टी से 2 मंत्री बनाए जाने चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने भी समर्थन किया, उसके बाद से सियासत गर्म हो गई, जहां एक तरफ राजद कांग्रेस खुला ऑफर देते दिखाई दे रही है, कहते दिखाई दे रही है जीतनराम मांझी जी को साथ आना चाहिए, लोकतंत्र खतरे में है, उन्हें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, एनडीए से नाता तोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री तक बनाने को तैयार है महागठबंधन। वहीं चिराग पासवान को लेकर भी अब बयान विपक्ष के तरफ से निकलकर सामने आने लगे हैं। राजद और कांग्रेस के नेता अब चिराग पासवान को भी वेलकम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करने के लिए तैयार है महागठबंधन में। वहीं अब जेडीयू के विधायक और एमएलसी जमकर निशाना साध रहे थे, गरज रहे थे, आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का तय करेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ हैं जीतनराम मांझी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार संपर्क में हैं। फैसला क्या होगा, क्या जीतनराम मांझी के हित में होगा, क्या उनके पार्टी से 2 मंत्री बनाए जाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। मगर बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है, जहां एक तरफ नीरज कुमार देखिए जेडीयू के एमएलसी हैं, सम्मुख प्रवक्ता हैं, बेबाकी से ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जीतनराम मांझी कहीं नहीं जाने वाले हैं, उनके नाम में ही राम लगा है और राम भला कैसे छोड़कर जा सकता है, ये तमाम बातें कहते दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान पर भी बड़ा बयान दे रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव कारण भी बहुत ही नजदीक है, ऐसे में
एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, मगर बयानबाजी भी हो रही है, बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं, अभी एनडीए की सरकार में मंत्री हैं, और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने सुमित सिंह पर भी निशाना साधा, सुमित सिंह ने भी जमकर निशाना साधा और करारा जवाब दिया जीतन राम मांझी को, उसके बाद भी सियासत गर्म है, मगर फिलहाल राजनीति की शोर, बिहार की राजनीति की शोर जा रही है। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होना है, संख्या बल भी दिखानी है, विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटा है, मास्टर प्लान तेजस्वी यादव तैयार कर रहे हैं, वहीं अब सवालों के घेरे में इंडिया गठबंधन। आखिर इन बयानों के बीच क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा पाएगा, क्या चुनावी मैदान में इसी मजबूती के साथ उतरकर जीत फतेह की जा सकती है? देखिए कई सवालों के बीच अब यह भी देखना हम होगा कि तेजस्वी यादव कौन सा मास्टर प्लान के तहत आगे बढ़ते हैं, मगर खुला ऑफर है जीतन राम मांझी को, और अब तो चिराग पासवान ने भी समर्थन कर दिया है जीतन राम मांझी का। खैर इस वीडियो में इतना ही, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।